हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम पिछले कुछ वीडियो से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस। और उससे पहले कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में और सेक्शन फार्मूला के बारे में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला कहता क्या है, ये कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन में, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू कॉमा वाई टू, और हम इस ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, यानी ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं, तो वो लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वो लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं ए बी या डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का के होल का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू के होल का स्क्वायर। ठीक है, यही है डिस्टेंस फार्मूला, इसे ही हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ये ए बी सी डी ये क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है हमें, यानी इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं, और ये बना हुआ है पॉइंट्स ए बी सी डी का, जहाँ पर इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस वन कॉमा माइनस वन, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस वन कॉमा फोर, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं फाइव कॉमा फोर, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं फाइव कॉमा माइनस वन। पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ये जो पॉइंट पी है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है पॉइंट पी, यानी ये ए पी और पी बी इक्वल है। ठीक है, ऐसे क्यू मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, बी सी का मिड पॉइंट है क्यू, सी डी का मिड पॉइंट है आर, सी डी का मिड पॉइंट है आर, और ए डी का मिड पॉइंट है एस। ठीक है, ये चार पॉइंट्स और हमें गिवन है। इज द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ए स्क्वायर और रेक्टेंगल और ए रॉम्बस, हमें बताना है ये जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल हमें यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस रेक्टेंगल के बीच में, ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या रॉम्बस होगा, ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा। जस्टिफाई योर आंसर, हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो ये पता लगाने के लिए कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, हमें पता होना चाहिए कि क्या इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, क्या इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, है ना, क्या इसके डायगनल्स इक्वल हैं या नहीं है। इन चीज़ों को अगर हम पता लगा लेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये पी क्यू आर एस स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रॉम्बस है। हमें क्या पता है कि स्क्वायर, स्क्वायर कैसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। रॉम्बस एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन उसके डायगनल्स इक्वल नहीं होते, और रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये पता कैसे लगाएं कि ये साइड्स इक्वल हैं या नहीं हैं, उसके लिए हमें पहले पता लगाने पड़ेंगे पी क्यू आर और एस के कोऑर्डिनेट्स, वो कैसे पता लगाएं। अब हमें गिवन है पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला भी हमने पढ़ा है, अगर हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो इस पी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वन वाई वन हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू हैं और पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, तो एक्स किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू के, और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल होगा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू के। मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा हुआ है ये भी हमने, मिड पॉइंट फार्मूला ये भी पढ़ा हुआ है हमने, इसी को हम यूज़ करते हैं। पी क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट है तो हम कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करना चाहें पी के, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू यानी माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू, ऐसे वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यानी माइनस वन प्लस फोर बाई टू। क्या आ गए ये पी के कोऑर्डिनेट्स, माइनस वन यानी माइनस टू, माइनस टू बाई टू यानी ये तो हो गया माइनस का वन, और माइनस वन प्लस फोर यानी प्लस का थ्री, तो ये आ गया थ्री बाई टू। तो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या निकल कर आए, ये हमारे पास निकल कर आए माइनस वन कॉमा थ्री बाई टू। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, क्यू हमारा है मिड पॉइंट बी सी का, तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी,
ये बी सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। क्या होंगे? बी और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, माइनस वन प्लस फाइव बाई टू, माइनस वन प्लस फाइव बाई टू। और ऐसे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? फोर प्लस फोर बाई टू, फोर प्लस फोर बाई टू। तो क्या निकल कर आया ये कोऑर्डिनेट? माइनस वन प्लस फाइव किया तो फोर आया, फोर बाई टू यानी टू, और फोर प्लस फोर यानी एट, एट बाई टू यानी फोर। तो ये आ गया टू कॉमा फोर, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं टू कॉमा फोर। ऐसे ही हमें पता है आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, आर मिड पॉइंट है किसका? सी डी का, सी डी का मिड पॉइंट है। तो सी डी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम आर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर ये क्या हो जाएंगे? एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू यानी फाइव प्लस फाइव बाई टू, और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू यानी माइनस वन प्लस फोर बाई टू। तो फाइव प्लस फाइव बाई टू यानी टेन बाई टू, ये तो हो गया फाइव, और माइनस वन प्लस फोर यानी थ्री, थ्री बाई टू। आर के कोऑर्डिनेट्स आ गए फाइव कॉमा थ्री बाई टू। ठीक, इसी तरह से हमें पता है एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो एस के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं ए डी के कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू यानी माइनस वन प्लस फाइव बाई टू, और थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू, थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स निकल कर आएंगे? ये हमारे पास आ जाएंगे थ्री बाई टू, नहीं सॉरी, ये गलत कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ले लिए मैंने। तो यहाँ पर क्या है, ये थ्री बाई टू तो किसका कोऑर्डिनेट था? ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी था। हमें तो ए के और डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे। तो क्या आएंगे हमारे पास? माइनस वन प्लस फाइव बाई टू एक्स कोऑर्डिनेट, तो ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा माइनस वन प्लस माइनस वन, माइनस वन प्लस माइनस वन अपॉन टू। तो ये आ गया फोर बाई टू यानी टू, और ये आ गया माइनस टू बाई टू यानी माइनस वन। तो एस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या निकल कर आए? टू कॉमा माइनस वन। ठीक है, तो पी क्यू आर एस ये चारों कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास आ गए। अब इन्हीं की हेल्प से हम फाइंड करेंगे कि ये जो पी क्यू आर एस है ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रॉम्बस है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है। पी के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने पीछे फाइंड किए थे, क्या थे? माइनस वन कॉमा थ्री बाई टू। ऐसे क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए थे टू कॉमा फोर, आर के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे फाइव कॉमा थ्री बाई टू, और एस के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे टू कॉमा माइनस वन। तो अब ये पता करने के लिए कि ये पी क्यू आर एस किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, हम इसकी चारों साइड्स पहले फाइंड करते हैं। तो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर साइड पी क्यू। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कोई हमारे पास लाइन सेगमेंट है जिसमें हमें लाइन सेगमेंट ए बी है, जहाँ हमें ए के कोऑर्डिनेट्स पता है एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है एक्स टू वाई टू, तो इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो पी क्यू ये डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, ये किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर यानी थ्री बाई टू माइनस फोर का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। माइनस वन माइनस टू यानी माइनस थ्री का स्क्वायर, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे टू आएगा, यहाँ आएगा थ्री माइनस एट, थ्री माइनस एट यानी माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया रूट के अंदर नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव बाई फोर, और सॉल्व किया इसको एलसीएम एलसीएम लेकर, तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लिया फोर, थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव यानी ये हमारे पास आ जाएगा रूट सिक्सटी वन अपॉन टू, इतने यूनिट्स। ये आ गई पी क्यू की लेंथ। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं अब क्यू आर की लेंथ कितनी होगी। क्यू आर ये भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। तो ये कितनी होगी? फाइव माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू माइनस फोर का स्क्वायर, थ्री बाई टू माइनस फोर का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू माइनस फोर, ये तो सेम ही आ गया, माइनस
फाइव बाय टू का स्क्वायर, सेम ही वैल्यूज आ रही हैं, थ्री का स्क्वायर करें चाहे माइनस थ्री का स्क्वायर करें सेम ही आएगा, तो आगे तो सब सेम ही होने वाला है, तो ये भी आएगा रूट 61 बाई 2 यूनिट्स। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं एस आर, तो एस आर अगर हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ये किसके इक्वल आएगा, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर। और सॉल्व किया इसको तो यहाँ तो आ गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, जब इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यहाँ माइनस 2 माइनस 3 यानी माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर, सेम वही चीज़ आ गई। तो यह इसे भी सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, रूट 61 बाई 2 यूनिट्स। ऐसे लास्ट वाली साइड हम फाइंड करते हैं तो वो हमें कितने कितने निकल कर आती है, एस पी हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर, एस पी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम फिर से, तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस जो यहाँ आया था माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर, सेम ही वैल्यू निकल कर आ रही है यानी रूट 61 अपॉन 2 यूनिट्स। तो हमें क्या पता चल गया कि ये चारों साइड्स तो इक्वल हमें दिखाई दे गई। एक चीज़ तो हमें पक्के से पता चल गया, पी क्यू आर एस इस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर एस इज आइदर अ स्क्वायर और अ रॉम्बस, या तो ये स्क्वायर है या फिर ये रॉम्बस है। इन दोनों में अंतर कैसे पता करें, अब ये स्क्वायर है या रॉम्बस है, तो हम क्या करते हैं इसके डायगनल्स ड्रॉ कर लेते हैं, पी आर और क्यू एस। डायगनल्स की लेंथ अगर इक्वल आती है तो ये स्क्वायर है, और डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं आती तो ये रॉम्बस है। तो हम यहाँ पर पी आर और एस क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये दोनों फाइंड करने की कोशिश करेंगे। पी के हमें दिए, हमने फाइंड किए थे कोऑर्डिनेट्स माइनस 1 कॉमा 3 बाई 2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे 2 कॉमा 4, आर के कोऑर्डिनेट्स थे 5 कॉमा 3 बाई 2 और एस के कोऑर्डिनेट्स थे 2 कॉमा माइनस 1। तो अब हम यहाँ फाइंड करते हैं पहले पी आर, ये डिस्टेंस कितना है, कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 का स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 6 का स्क्वायर यानी 36, रूट के अंदर 36 प्लस ये तो ज़ीरो ही हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 6 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करते हैं एस क्यू, एस क्यू को भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 तो 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25, तो रूट 25 यानी ये आ गया 5 यूनिट्स। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू, डायगनल्स की लेंथ इक्वल नहीं है, तो सो पी क्यू आर एस इज़ नॉट ए स्क्वायर, ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता, स्क्वायर के तो डायगनल्स भी इक्वल होने चाहिए थे साइड्स के साथ साथ, तो पी क्यू आर एस इज़ अ रॉम्बस। ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन इसके डायगनल्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एक रॉम्बस होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया सॉल्व एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ किया है और साथ ही साथ हमने यूज़ किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी और एक पॉइंट है पी और वो पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स x, y हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, तो ये x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x2 by 2 के, और y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा y1 प्लस y2 by 2 के। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने ये जो P, Q, R, S थे इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, और उसके बाद हमने ये साइड पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी फाइंड की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, तो हमने देखा ये चारों साइड्स इक्वल हैं।
इससे हमें पता चला कि पी क्यू आर एस या तो स्क्वायर है या रॉम्बस है। फिर हमने इसके दोनों डायगनल्स ड्रॉ किए, पी आर और एस क्यू। इनकी लेंथ हमने फाइंड की डिस्टेंस फॉर्मूले लगा के, क्योंकि डायगनल्स अनइक्वल आ रहे हैं इसका मतलब पी क्यू आर एस रॉम्बस है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर है या रॉम्बस है हम और भी एक तरीके से फाइंड कर सकते थे, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगा के। अगर पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल आता तो हम कह सकते थे श्योरली कि ये एंगल एस 90 डिग्री का होगा, तो ये पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बन जाता। और अगर पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम श्योरली कह सकते थे कि ये रॉम्बस होगा। ठीक है, तो जो हमने आज पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे जहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन होती है वहाँ पर आप देखेंगे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके आप ये नोट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।